दोस्तों, आपने यूँ तो बहुत तरह के सीरियल किलिंग एक्टिविटी के ऊपर सीरीज़ या मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन ये सभी सीरीज़ और मूवीज़ एक्चुअल में कुछ कल्पना करके बनाई जाती हैं। कुछ काल्पनिक सीरियल किलर्स रहते हैं और उन्हीं को पुलिस खोज के निकालते हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सीरियल किलर्स के बारे में जिनका वजूद सच में था और इन्होंने सबसे घिनौने काम भी किए थे। ना जाने इन्होंने कितनों लोगों को बेरहमी से मारा था और लास्ट तक इन तक पुलिस पहुँच पाती है या फिर नहीं पहुँच पाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग रियल सीरियल किलर एक्टिविटी के ऊपर बनाई गई वेब सीरीज आज के हमारे इस काउंटडाउन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 7, इंडियन प्रीडेटर, मर्डर इन अ कोर्टरूम। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक ऐसे गैंगस्टर से जिसे कोर्टरूम में बहुत सारी महिलाएं आके मारकर चली जाती हैं, यानी कि उस गैंगस्टर के सभी टुकड़े टुकड़े कर उस कोर्टरूम में ही फेंक कर वो सभी महिलाएं अचानक से ही गायब हो जाती हैं। लेकिन सीरीज में देखने लायक यह है कि असल में वो महिलाएं उस गैंगस्टर को क्यों मारना चाहती हैं और इतनी बेरहमी से उन्होंने असल में उस गैंगस्टर को क्यों मारा। सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 6, स्लीपिंग विद द किलर। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में आप देख पाएंगे कुछ ऐसे सीरियल किलिंग एक्टिविटी को, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपने पत्नी को मार देते हैं या फिर कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो कि अपने पति को मार देते हैं। कुछ ऐसे ही साइकोपैथ किलर्स के ऊपर बेस करके बनाई गई है यह कंप्लीट वेब सीरीज। सीरीज की हर एक एपिसोड में आप नए नए क्राइम और नए नए क्रिमिनल्स को देख पाएंगे और हर एक स्टोरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी बनाई गई है। इस सीरीज में आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप को देख पाएंगे जो कि एक्चुअल में शादीशुदा होते हैं सिर्फ एक दूसरे को मारने के लिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं एप्पल टीवी प्लस पर और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 5, सिंस ऑफ आवर मदर। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है जेनी से जो कि एक्चुअल में बहुत सारे क्राइम्स कर रही होती है, लेकिन असल में वो सभी क्राइम्स वो किस तरह अंजाम देती है और असल में उसका क्या मोटो रहता है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7। नंबर 4, दामर। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है जेफरी दामर से जो कि अमेरिका का सबसे खूंखार सीरियल किलर माना जाता है। उसने लगभग 45 मर्डर्स किए होते हैं, लेकिन असल में वो ये मर्डर्स क्यों कर रहा होता है, इवन इसके पीछे क्या मोटो रहता है, क्या वो साइकोपैथ रहता है या फिर उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब रहती है, ये सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। जेफरी दामर को एक्चुअल में एक मॉन्स्टर भी कहा जाता था और इसके नाम से पूरी अमेरिका भी डरती थी। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 3, द बुचर ऑफ दिल्ली। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है दिल्ली से जहां पर एक सीरियल किलर दिल्ली में पूरी तरह से आतंक मचा रहा था, यानी कि वो दिल्ली में लोगों को मार रहा होता है और उन सभी डेड बॉडीज को वो पुलिस स्टेशन के सामने छोड़कर चला आता था क्योंकि उसकी पर्सनल दुश्मनी थी पुलिस से। लेकिन असल में वो लोगों को क्यों मार रहा था ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। इवन लास्ट तक वो पुलिस के हाथों किस तरह पकड़ा जाता है, उसकी कौन सी सबसे बड़ी गलती के कारण वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, ये सारी चीजें इस पूरे वेब सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6। नंबर 2, द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे डेंजरस किलर से जो कि लगभग 13 लोगों को मार चुका होता है, लेकिन वो एक्चुअल में दावा करता है कि उसने 45 लोगों का मर्डर किया था। 13 लोगों की बॉडी पुलिस को मिली थी लेकिन बाकी के बॉडीज पुलिस को बरामद नहीं हुई थी। इस किलर का मारने का तरीका थोड़ा अलग था, ये लोगों को मारता था और उनके दिमाग को निकाल कर वो खा जाया करता था, लेकिन असल में वो इस क्राइम को किस तरह अंजाम देता था, इवन लास्ट तक वो पुलिस के हाथों किस तरह पकड़ा जाता है, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे वेब सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6.7।
और लास्ट और नंबर वन पर हम बात करेंगे बीस्ट ऑफ बैंगलोर सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है ऐसे किलर से जो कि सिर्फ महिलाओं का ही मर्डर कर रहा होता है और उनके कपड़ों को उतार कर वो अपने घर में रख देता है। वो पहले औरतों का रेप करता है और उसके कपड़े लेकर वो अपने घर में रख देता है। यही काम होता है इस किलर का और इसने लगभग 45 महिलाओं का मर्डर भी किया था। लेकिन सीरीज में देखने लायक यह है कि लास्ट तक वो पुलिस के हाथों किस तरह पकड़ा जाता है। पहली बार जब वो पकड़ा जाता है तो पुलिस के हाथों से वो फरार भी हो जाता है। इसी तरह वो बहुत बार फरार होने के बाद लास्ट में उसे सजा कैसी मिलती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।